नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आइए आपको सुनाते हैं माँ धारी देवी की कथा। कहते हैं धारी देवी सात भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद सातों भाइयों ने धारी देवी की देखरेख की। वह भी अपने भाइयों की खूब सेवा किया करती थी। तभी भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह भाइयों के खराब है, तो वो बहन से नफरत करने लगी। और जब वह कन्या 13 साल की थी तो वो उसके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। बचे वो 2 भाइयों को लगा इसी बहन के कारण, ग्रहों के कारण भाइयों की मृत्यु हुई है, क्योंकि भातृहंता दोष था उसमें। फिर उन्होंने रात्रि के समय कन्या की हत्या कर दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ को गंगा में बहा दिया। कन्या का सिर बहते हुए दूर धारी गांव में पहुंच गया। प्रातःकाल में नदी किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। उसे लगा एक कन्या डूब रही, बचाने का प्रयास किया, परंतु बहाव बहुत तेज था इसलिए पीछे हटा। तभी उस सिर में से एक आवाज़ आई, तू डर मत, मुझे बचा, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सीढ़ियाँ बनती गईं। जैसे ही उसने कन्या समझकर सिर को उठाया, वह कटा सिर देखकर घबरा गया। फिर सिर पर से आवाज आई, मैं देवी रूप में हूँ, तू मुझे पवित्र स्थान पर पत्थर के ऊपर स्थापित कर। व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब देवी ने उसे सारी बातें बताई और पत्थर में परिवर्तित हो गई। कन्या के शरीर का बाकी हिस्सा काली मठ में है, जहाँ मैडाना माँ के रूप में प्रसिद्ध है। ये इस स्थान को मैठाणा माता के रूप में जाना जाता है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गौड़ी बड़वाल में स्थित है। माँ धारी को उत्तराखंड की रक्षक भी कहा जाता है। माँ की कृपा संपूर्ण जगत पर सदैव बनी रहे। धारी देवी मंदिर में स्थित माता की मूर्ति सुबह कन्या, दोपहर युवती और शाम को बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहाँ रुककर माता के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माँ धारी को पहाड़ों की रक्षक देवी कहा जाता है। बताया जाता है कि माता की मूर्ति को किसी समय हटा लिया जाता है जब उत्तराखंड में बाढ़ आती है आई थी, उसके बाद फिर उसी जगह माँ धारी देवी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके बाद बाढ़ ने कहर बरपाना बंद कर दिया। देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत द्वारा गिनाया गया है। जब 16 जून 2013 को देवी के मूल मंदिर को हटाकर अलकनंदा नदी से 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के प्लेटफार्म पर स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि बुनियादा ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी की सहायक कंपनी अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा जल विद्युत बांध के निर्माण के लिए रास्ता बनाया जा सके। संयोग से मूर्ति को स्थानांतरित करने के कुछ ही घंटों बाद उस क्षेत्र को आपदा का सामना करना पड़ा, जो 2004 की सुनामी के बाद देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। 2013 के उत्तर भारत में आई बाढ़ कई दिनों तक बादल फटने के कारण आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसमें पूरा मंदिर शहर बह गया था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया था, जो बाढ़ के बाद खंडहर में बदल गई थी। 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा किए गए इसी तरह के प्रयास के परिणाम स्वरूप भूस्खलन हुआ था, जिसने केदारनाथ को तहस नहस कर दिया गया था। अब नया मंदिर अपने मूल स्थान पर ही है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।